गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आप लोगों ने साइंस चूज किया है। बराबर खास ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है कि इन साइंस अगर आपने ए ग्रुप चूज किया है तो फिर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड बी ग्रुप चूज किया है तो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो। सो द केमिस्ट्री इज अ कॉमन सब्जेक्ट इन बोथ ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ओके, साइंस आपने लिया है, उसके साथ साथ में एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एज ए साइंस स्टूडेंट आपके अंदर क्या होना चाहिए एंड आपके माइंड में कैसे कैसे क्वेश्चन होने चाहिए। बराबर, तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल इन 10th स्टैंडर्ड देयर इज अ चैप्टर नेम्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, आपको आता है उसके अंदर के एसिड की रिएक्शन कैसे होती है, एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, बट एसिड की डेफिनेशन ही आपको नहीं पता है तो देयर इज नथिंग। ओके, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है। तो सबसे पहले आपने साइंस के अंदर एंट्री ली है तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके माइंड में तीन क्वेश्चन होने चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी एनीथिंग आप देखते हो, कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, कोई भी कंपाउंड लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, तो आपके माइंड में तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट, दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड, डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन आपको आती है तो चैप्टर ऑलमोस्ट ईजी हो जाएगा। सबसे पहले वो माइंड में आप क्लियर करो कि वॉट इज दिस। ओके, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कोई भी वर्ड नया आए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखो। ओके, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन होने चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए आपको व्हाई, कैसा क्यों हुआ। बराबर, और उसका आंसर आपको मिलेगा हाउ, कैसे हुआ। बराबर, उसके अंदर आपको आंसर मिलेगा। तो तीन क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज व्हाट, सेकंड वन इज व्हाई एंड द थर्ड वन इज द आंसर हाउ। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन आपके माइंड में होने ही चाहिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी, मैथ्स या केमिस्ट्री। ओके, इसके हिसाब से अगर आप जाओगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो उसके अंदर कोई भी वर्ड आता है नया तो उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वो पूरा वर्ड माइंड में फिट होना चाहिए, तभी आगे जाओ तो ही आपको अच्छा होगा। ओके, चलो, तो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आप केमिस्ट्री से घिरे हुए होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप घर पे बैठे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे। ओके, तो आपके घर का जो भी पेंट होगा वॉल के ऊपर का, ओके, वो भी एक केमिकल है। चलो आप बाकी सबको तो जाने दो, अब आपकी खुद की बॉडी ले लो। बराबर, खुद की बॉडी ले लो आप, तो फिर बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल एंजाइम्स आपके जितने भी हैं, ओके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर आप अगर जानते हो तो इंटेस्टाइन और उसके अंदर जो भी जूस प्रोड्यूस होते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल HCl जो डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है, HCl इज अ केमिकल। देन जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जनरली सिंपल कि जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा इज अ केमिकल। ओके, जो बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। बराबर, चलो ना हम DNA की बात कर लेते हैं जिससे हमारा पूरा बॉडी बनता है, DNA। ओके, डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बराबर, तो फिर उसके अंदर देखते हैं। बराबर, तो उसके अंदर भी कंपाउंड है, दैट मीन्स एलिमेंट है। ओके, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर, आप DNA जानते हो, एडीनाइन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन उसका बना हुआ होता है, बट एडीनाइन क्या है। ओके, वो भी एक कंपाउंड है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स वो केमिस्ट्री है। ओके, इसका मतलब केमिस्ट्री आपको सब जगह पे दिखाई देना चाहिए। बराबर, केमिस्ट्री अगर बोला जाए इट इज द सेंटर ऑफ द साइंस। ओके, सबके सेंटर में आपको केमिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी वो अलग होगा, बट सेंटर के अंदर क्या मिलेगा आपको, केमिस्ट्री मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके, आपको पूरा दिखाई देगा। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस
दैट डील्स विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. दैट मीन्स आपको ये पता चला कि हमें स्टडी करना है, वो साइंस की एक ब्रांच है और हम लोग स्टडी किसका करेंगे, मैटर का करेंगे. तो मैटर एक आपका ऐसा वर्ड हो गया कि जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मैटर ही लेने वाले हैं, तब देखेंगे. बट हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. किसका स्टडी करेंगे, कंपोजिशन मैटर का. दैट मीन्स उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, बराबर किसका बना हुआ है. स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर दैट मीन्स जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बराबर. अगर कोई भी मैटर का अगर ये स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या नाम देंगे, केमिस्ट्री देंगे. देन सेकंड डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशंस दो टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल तो सिंपल सॉलिड लिक्विड गैस आप जानते हो, वो हम लोग आगे देखेंगे. बट मॉलिक्यूल्स, ओके, मॉलिक्यूल क्या है वो भी हम लोग देखेंगे. तो डेफिनेशन क्या हो गई दूसरी, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, बराबर. तो केमिस्ट्री की ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके, सो अब देखते हैं उसके टाइप्स. केमिस्ट्री जो है, अगर हम लोग पुरानी बात करें तो केमिस्ट्री के बेसिकली दो ही टाइप थे, एक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दूसरा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री सब डिसिप्लिन्स बनाए गए और उसको मेन ब्रांच बोल दिया गया. तो बेसिकली हो गई टोटल फोर ब्रांचेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके, सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन उसके अंदर क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ. ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन. ओके, ये याद रखना, रिलेटेड विथ कार्बन. सो द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक मीनिंग ही आपको पता चल जाएगा, ऑर्गेनिक का पता है. इनऑर्गेनिक दैट मीन्स एक्सेप्ट कार्बन. ओके, कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर उसका स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच इन विच वी विल स्टडी केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. ओके, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कंबाइंड ब्रांच है. तो क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री दैट मीन्स वी विल डू एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द पॉल्यूशन ऑफ द एयर, ओके, तो उसके लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, वाटर की प्योरिटी कितनी है, इम्प्योरिटी कितनी है, ये सब स्टडी किस में होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में होगा. तो बेसिकली फोर ब्रांचेस हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ डेफिनेशन कि स्टडी ऑफ मैटर. ओके, जो भी हम लोग स्टडी कर रहे थे, कंपोजिशन स्ट्रक्चर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज मैटर, बराबर. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मैटर की. ओके, मैं थोड़ा सा इसको फिक्स कर देता हूँ. चलो, मैटर तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं एनीथिंग विच हैज मास, दैट मीन्स ये चौक भी आ गया, हमारे आसपास जितनी भी चीज है. ओके, एवरीथिंग अराउंड अस, हम लोग बुक ले लें, पेन ले लें, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इटसेल्फ. ओके, इसके अंदर हम लोग पूरा अर्थ भी रख सकते हैं, सन भी रख सकते हैं, मून,
पूरा यूनिवर्स, ओके, जिसका मास है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ओके, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम मैटर बोलेंगे, बराबर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, बराबर। अब मैटर जो है वो दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से बनाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर बनाएंगे, उसके भी दो टाइप्स हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, ओके। मिक्सचर भी हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एंड प्योर सब्सटेंस के अंदर आ जाएंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ओके। तो बेसिकली हमने आज सीखा है सिंपल टाइप्स ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर, बराबर, के अंदर फिजिकल टाइप्स ऑफ मैटर है एंड केमिकल टाइप्स है, ओके। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो जाएगा, देन केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर दो पार्ट है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, जिसके अंदर होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एंड प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको क्या करना है, मैं इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, आपको पूरा ये लिखना है। आपको कोई भी वर्ड में समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना है, मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हमने मैटर तक सीखा है, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से शुरुआत करेंगे, ओके, थैंक यू।